और प्राण के पांचों प्रकार हम प्राणायाम के समय सांस को ऊपर खींचते हैं और धीरे से निकालते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। प्राण के पांच प्रकार है, जिसे वायुयान भी कहा जाता है। यही पांचों प्राण एक से दूसरे तक ऊर्जा पहुंचाने का एक सरल माध्यम होता है। प्राण के सम्यक और संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम कहते हैं। प्राण को सांस लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है। प्राण ऊर्जा तेज शक्ति है। प्राण समस्त जीवन का आधार और सहार है। यह वह ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। प्राण उस प्रत्येक वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका पृथ्वी पर अस्तित्व है। हमारा पूरा शरीर इसी प्राण के आधार पर चल रहा है। संतुलन पर निर्भर करता है, जो कि हमें दैवी शक्ति भी प्रदान करती है, जिससे हम सदा ऊर्जावान और ऊर्जावी बने रहते हैं। प्राण शरीर की हजार सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियां जिन्हें नाड़ी कहते हैं और ऊर्जा के केंद्रों जिन्हें चक्र कहते हैं से गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल तैयार करती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मन स्थिति निर्धारित करती है। अगर प्राण शक्ति बलवान है और उसका प्रवाह निरंतर और सुव्यवस्थित है तो मन सुखी शांत और उत्साहपूर्ण रहता है। प्राण भौतिक संसार चेतना और मन सूत्र स्थापित करता है। यह भौतिक स्तर पर जीवन को संभव बनाता है। प्राण सभी शारीरिक कार्यों को विनियमित करता है। श्वास ऑक्सीजन की आपूर्ति पाचन निष्कासन अपसरण और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारा शरीर विश्व भर में प्रवाहित प्राण की ऊर्जा प्राप्त करता है। इस ऊर्जा का आवंटन करता है और धीरे से समाप्त भी कर देता है। हम शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य और समन्वय को प्राप्त कर लेते हैं। और बात करेंगे प्राण के पांचों प्रकार का, जिसमें पहला आता है प्राण। प्राणायाम में प्राण वायु अंतर श्वास यानी इनहेल से क्रियाशील होती है। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखने वाला वह शक्ति है जिसके द्वारा हम श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं। अनिवार्य ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसकी ऊर्जा नासिकाग्रंथियों से होते हुए हृदय स्तर तक प्रवाहित होती है। अंततः वक्षीय स्तर को गतिशील बना देता है। दूसरा है अपान। प्राणायाम में अपान वायु श्वास एक से क्रियाशील होता है। निष्कासन प्रक्रिया जैसे कि मूत्र वीर्य और मल निष्कासन को यह नियंत्रित करता है। रोग जो पेट के निचले भाग को प्रभावित करते हैं जैसे आंत गुर्दे मूत्रमार्ग टांगे आदि को, वे सब ही अपान प्राण की अवस्था का ही परिणाम होते हैं। नौली अग्निशार क्रिया अश्विनी मुद्रा और मूल बंध विधियों अपान प्राण को मजबूत और शुद्ध करने का कार्य करती है। यह गर्भाशय के नीचे नाभि के नीचे पैरों के तालव्य तक के स्थान में क्रियाशील होता है। तीसरा है समान। यह स्थान को गतिशील करता है। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। उदर के अवयवों को सही ढंग से काम करने के लिए सुरक्षा देता है। यह दो मुख्य चक्रों अनाहत एवं मणिपुर चक्रों को जोड़ता है। समान प्राण आहार ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में वितरित कर रहा है। प्राण की गुणवत्ता सीधे हमारे खाद्य की गुणवत्ता से संबंधित। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास जीवन भर के लिए एक स्वस्थ
और संतुलित शरीर प्रदान करेगा। यह प्राण अग्निशाम क्रिया एवं नौमी के अध्याय सुदृढ़ होता है। समान प्राण को जागृत करने की सबसे प्रभावकारी क्रिया योग है। उदाहरण ग्रीवा द्वारा कार्य करता हुआ स्वतंत्र वाणी और भोजन के अंतर ग्रहण को सुव्यवस्थित करता है। ऊर्जा को उड़ान रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से उठाकर मस्तिष्क तक ले जाता है। उदाहरण प्राण वह उच्च ऊर्जा है जो हृदय से सिरे और मस्तिष्क में प्रवाहित होता है। उदाहरण प्राण कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर उसके साथ होती है। उदाहरण प्राण के नियंत्रण से शरीर हल्का हो जाता है। व्यक्ति में हवा से उठ जाने की योग्यता आ जाती है। उज्जायी प्राणायाम, भ्रामी प्राणायाम और विपरीतकरण मुद्रा के अभ्यास से उदाहरण प्राण सक्रिय हो जाता है। अंतिम है व्यायाम। यह कुंभक के अभ्यास से सुदृढ़ और सक्रिय होता है। जब हम सांस को रोक लेते हैं तब हम शरीर में ऊर्जा को सजो लेते हैं, जिसके फलस्वरूप दबाव निर्माण होता है। इस दबाव के प्रभाव से ऊर्जा की रुकावटें खुल जाती है। कुंभक नायिका को प्रोत्साहित करता है। यह मानव शरीर के नाड़ी मार्ग से प्रवाहित होता है। यह समस्त शरीर में व्याप्त रहने के कारण शरीर की गतिविधियों को नियमित सुचारू व नियंत्रित करता है। भोजन और श्वास में मिली ऊर्जा को धमनियों, सिराओं और नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी से ही रक्त प्रवाह में कमी, नाड़ी संचरण में खराबी और स्नायु संबंधी गतिहीनता आ जाती है। यह प्राण और अपान क्रिया के लिए अति आवश्यक है।